अभी के टाइम पे एआई टूल इतना एडवांस हो चुके हैं कि एक क्लिक में वो आर्टिकल जनरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके कंटेंट को ह्यूमनाइज कर रहे हैं, एआई वर्ड्स को रिमूव कर रहे हैं, और ऐसे आर्टिकल गूगल में रैंक भी हो रहे हैं, आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है। आजकल एआई टूल्स एडवांस तो हो चुके हैं, और इसी को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरे एआई से लिखे हुए आर्टिकल गूगल में रैंक भी कर रहे हैं और मैं एक क्लिक में आर्टिकल भी जनरेट कर पा रहा हूँ, साथ ही साथ अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज करके एआई वर्ड्स को भी रिमूव कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह यहाँ पे जनरेट होती हैं इस टूल में, जो एआई टूल में बताने वाला, उसका नाम है seowriting.ai। और इस टूल के अंदर बेसिकली एआई वर्ड रिमूवल भी आ चुका है, और साथ ही साथ जो इमेजेस यहाँ पे जनरेट होते हैं वो बिल्कुल ह्यूमन टाइप के रहते हैं। मतलब आप ना जो खुद इमेजेस बनाते हो कुछ उस तरह से दिखेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो इमेज जनरेट हुआ है वो किसी एआई टूल ने किया है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम प्रूफ देखेंगे कि हमारा एआई कंटेंट गूगल में रैंक कर रहा है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि एक क्लिक में आर्टिकल कैसे जनरेट होगा, कैसे हम उसे ह्यूमनाइज करेंगे यानी ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें जो भी एआई वर्ड्स है उसे कैसे रिमूव करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है हाउ टू रैंक वेबसाइट ऑन गूगल इन 2024। जब भी मैं यहाँ पे आर्टिकल लिखता हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड ही टारगेट करता हूँ, आपको भी पता है। एंड यहाँ पे इस कीवर्ड पे आप देखो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमारी साइट bloggingskill.com यहाँ पे पहले पेज पर रैंक कर रही है। 6 अप्रैल 2024 को ये आर्टिकल लिखा गया था। एंड उसी तरह से हाउ टू इंडेक्स योर वेबसाइट ऑन गूगल इन 2024, और यहाँ पे देखो ये भी पहले पेज पर हाउ टू इंडेक्स योर वेबसाइट ऑन गूगल इन 2024 bloggingskill.com रैंक कर रही है। उसी तरह से एक और आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने लिख ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बनाया था आर्टिकल, अर्न मनी ऑनलाइन बाय टाइपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड था, और इस पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे 6 अगस्त 2024 को ये आर्टिकल लिखा गया था, अर्न मनी ऑनलाइन बाय टाइपिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये यहाँ पे देखो आर्टिकल हमारा गूगल के पहले पेज पर आ रहा है। एंड उसी तरह से अभी जल्दी मैंने एक और आर्टिकल लिखा था यहाँ पे, हाउ टू गेट डेटा लोन इन एयरटेल ऑनलाइन। तो इस कीवर्ड पर भी देखो यहाँ पे हमारा पहले पेज पर bloggingskill.com रैंक कर रहा है, हाउ टू गेट एयरटेल डेटा लोन ऑनलाइन इन 2024। तो ये जो कीवर्ड है ना, देखो इस कीवर्ड पे भी पहले पेज पर आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैं AI टूल यूज कर रहा हूँ वो है seowriting.ai, और इस वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इसके अंदर आपको 5000 वर्ड फ्री मिल जाते हैं, आप अपने आर्टिकल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो कैसे आर्टिकल जनरेट करता हूँ, और कैसे आप अपने इसके अंदर आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, उसे ह्यूमनाइज कर सकते हो, एआई वर्ड को रिमूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक टूल है देखो, ह्यूमनाइजर टूल। सबसे पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ, तो ह्यूमनाइजर टूल क्या करता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ह्यूमनाइजर टूल के अंदर देखो आप जो भी आर्टिकल जनरेट करोगे ना, उसके अंदर यहाँ पे ये आर्टिकल अपना पेस्ट करके इसे ह्यूमनाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखो रिमूव एआई वर्ड्स का ऑप्शन है, और यहाँ से आप अपने एआई वर्ड्स को रिमूव कर सकते हो, बेसिक रिमूव भी कर सकते हो, बेसिक लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट दो ऑप्शन है इसके अंदर, और आप रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल अपना सबसे पहले जनरेट करेंगे, देन हम देखेंगे कि कैसे हम ह्यूमनाइज करके एआई वर्ड्स को रिमूव करेंगे। आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आ जाना है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके लॉगिन किया है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद देखो वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, आप बल्क में भी आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड यहाँ पे वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एक कीवर्ड निकाल लेना है जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो। तो मैंने एक कीवर्ड निकाला है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल, तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और इसी कीवर्ड को मैं टारगेट करके बेसिकली अपना आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, और इसके अंदर हम अपना मेन कीवर्ड डाल देंगे। मेन कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखो आप कर सकते हो जनरेट टाइटल, बट यहाँ पे हम एक बार करके देख लेते हैं जनरेट टाइटल, और देखते हैं यहाँ पे टाइटल हमारा कैसा जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखो अर्न मनी फ्रॉम गूगल टॉप स्ट्रेटजी रिवील्ड, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, हमारा कीवर्ड है हाउ टू अर्न, तो यहाँ पे हम हाउ टू इंक्रीज कर देंगे ताकि हम यहाँ पे बेहतर तरीके से बेसिकली अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल, और यहाँ पे टॉप स्ट्रेटजी रिवील्ड यहाँ पे मैं बोल दूंगा इन 2024। अब इसलिए मैं यहाँ पे 2024 बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हमारा टाइटल है उसके अंदर
अंक भी हो, यानी कि 2024 ऐसे करके लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, तो ये और भी रिकमेंडेशन में आए गूगल में और ज़्यादा कीवर्ड पर रैंक करे। तो ये हमने टाइटल बना लिया। अब इतना करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप लैंग्वेज अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, आप चाहो तो अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं इंग्लिश करूँगा। एंड यहाँ पे आर्टिकल का साइज मैं मीडियम रखूँगा, आप चाहो तो स्मॉल रख सकते हो। स्मॉल में 1200 से 2400 वर्ड के आर्टिकल जनरेट होंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अभी स्मॉल ही रखने वाला हूँ। 2400 वर्ड के आर्टिकल बहुत बड़े होते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे AI मॉडल हैं, तो आप यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एंथ्रोपिक क्लाउड 3. सोनेट GPT 4 128 के टर्बो एंथ्रोपिक क्लाउड 3 ओपस, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे आप देखो ह्यूमनाइड टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके अंदर देखो ये रिकमेंडेड है 8th and 9th grade ईजिली अंडरस्टूड होता है, तो ये वाला आप सिलेक्ट कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस आप क्या रखना चाहते हो, तो इसके अंदर देखो फ्रेंडली है, प्रोफेशनल है, इन्फॉर्मेशनल है, तो हमारा यहाँ पे टोन फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली कुछ बताना चाहते हैं और फ्रेंडली लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद टारगेटेड कंट्री आप क्या रखना चाहते हो, तो टारगेटेड कंट्री हम इंडिया रखेंगे। आप चाहो तो अन्य कंट्री के लिए टारगेट कर रहे हो कीवर्ड, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आना है, डिटेल टू इंक्लूड को चेकमार्क करिए एंड इसके अंदर आप अपने कीवर्ड को डाल दीजिए, जो कीवर्ड आप यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल लिखना चाहते हो, और उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हो, और वो रिलेटेड कीवर्ड यहाँ से आप निकाल सकते हो। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे और भी यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड आते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इन कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कीवर्ड भी कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर ये वाला कीवर्ड भी डाल देता हूँ। तो इससे इसी तरह से और भी आप कीवर्ड डाल लेना। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो AI इमेजेस इसके अंदर आ जाते हैं, तो जैसे इसे AI इमेजेस को आपको यस कर देना है। नंबर आप इमेजेस कितना ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं 2 इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे इमेज स्टाइल और इमेज की साइज, इमेज स्टाइल में नन रखूँगा, इमेज का साइज आप 16:9 जरूर रखना। एंड यहाँ पे एडिशनल इंस्ट्रक्शन आप दे देना, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अर्न मनी, ठीक है, अर्न मनी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दोगे तो और बेहतर इमेज बनेगा। अर्न मनी फ्रॉम गूगल मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे गूगल लिखने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा गूगल ब्रांड नेम में, ठीक है, ब्रांड नेम में गूगल लिख देंगे तो और भी बेहतर इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। एंड यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो भी आपका यहाँ पे इम्बेड हो जाएगा, तो यूट्यूब वीडियोज मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। एंड उसके बाद नीचे की तरफ SEO आता है, SEO में NLP कीवर्ड जनरेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जब क्लिक कर देते हो तो ये आपका रिलेटेड जो कीवर्ड होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। एंड स्ट्रक्चर में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पर्सनल और इमोशनल है, स्टैटिकल और फैक्ट है, तो यहाँ पे जो आपको समझ में आए, जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सनल और इमोशनल टच देना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ पे रखूँगा। इसके बाद आपको कंक्लूजन चाहिए अपने आर्टिकल में, टेबल्स चाहिए, S3 चाहिए, लिस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, बस हमें की टेकवेज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। FAQ चाहिए तो यस विद Q&A, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के तौर पे हमें FAQ चाहिए हमारे पोस्ट के अंदर। एंड उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप इंटरनल लिंकिंग भी आपका ये टूल करके देगा, तो इसके लिए बेसिकली आपको अपना WordPress साइट ऐड कर देना है और वहाँ से ये इंटरनल लिंकिंग भी कर देगा। एक्सटर्नल लिंकिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो ऑटोमेटिक कस्टम, तो मैं कस्टम ही करने वाला हूँ। कनेक्ट टू वेब का ऑप्शन है, यहाँ से आप कनेक्ट टू वेब भी कर सकते हो। और यहाँ पे सिंडिकेशन का ऑप्शन है, तो यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट भी करना चाहते हो तो WhatsApp, Twitter, LinkedIn पोस्ट, Facebook पोस्ट, जिस टाइप का आपका यहाँ पे आप अपने आर्टिकल को शेयर करना चाहते हो तो वो यहाँ से सिंडिकेशन भी जनरेट कर देता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं अपने आर्टिकल को WhatsApp के ग्रुप में भेजूँ, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। और यहाँ पे यस करने के बाद उसके बाद नीचे की तरफ और आओगे तो यहाँ पे देखो आउटलाइन एडिटर वगैरह मिल जाता है, और चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से अपने WordPress पे अपने इस आर्टिकल को पब्लिश भी कर सकते हो, यहाँ से यस करके अपने साइट को कनेक्ट कर सकते हो। बट मैं मैनुअली सारी चीज़ें करूँगा और मेरा आर्टिकल वन क्लिक में यहाँ पे बेसिकली जनरेट हो जाएगा। अब बेसिकली ऊपर आना है और आपको यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देना है, आपका आर्टिकल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल जनरेट हो रहा है, ये 4% अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसे 100% हो जाने देते हैं, फिर आगे आपको मैं प्रोसेस दिखाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्टेटस अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और हमारा आर्टिकल कुछ इस तरह से जनरेट हो गया है। आप देख सकते हो 3006 वर्ड का हमारा आर्टिकल जनरेट हुआ है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे गूगल का कुछ
बेहतरीन सा इमेज इसने बना दिया है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो देखो कितना बेहतरीन आर्टिकल, टेबल वगैरह के साथ, यहाँ पे कोट्स वगैरह के साथ एकदम अच्छे से बुलेट पॉइंट्स को भी लिया गया है। एंड नीचे की तरफ देखो तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे की तरफ, यहाँ पे पैसे, गूगल से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड नीचे की तरफ एक और देखो तो एक और इमेज यहाँ पे बनाया गया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ और आते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे टेबल वगैरह के साथ साथ नीचे की तरफ FAQ भी है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे इसने बना दिया है। एंड यहाँ पे आप देखो तो कंक्लूजन भी यहाँ पे इसने ऐड किया है। तो हमारा आर्टिकल बेसिकली एकदम परफेक्टली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसके इसको हम ह्यूमनाइज कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ ह्यूमनाइज करने के साथ इसके AI वर्ड्स को कैसे रिमूव करते कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम जैसे मान लेते हैं ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ से देखो आप पूरा आर्टिकल भी कर सकते हो, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो अपने आर्टिकल को, इस तरह से कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आप सिंडिकेशन देख सकते हो, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आप भेजना चाहते हो ये यहाँ पे देखो आप इस तरह से करके कॉपी करके भेज सकते हो और अपने आर्टिकल का लिंक लगा सकते हो। यहाँ पे देखो चेक इट आउट हेयर लिंक में आप अपना आर्टिकल का लिंक लगा दोगे और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से क्लिक्स आएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से, ठीक है। एंड उसी तरह से यहाँ पे सिंडिकेशन को हटाते हैं, मेटा टैग्स है तो मेटा टाइटल देखो आपका ये होने वाला है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी ये जनरेट करके दे देता है और इसको कॉपी करके आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी अपने पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं हम इस किसी एक पैराग्राफ को बेसिकली मैं आपको यहाँ पे AI रिमूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इतना मैं एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है, अब हमें डैशबोर्ड में जाना है। आप चाहो तो पूरा आर्टिकल भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमनाइजर टूल पे जाना है। ह्यूमनाइजर टूल के अंदर अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पे लैंग्वेज का जो रीडेबिलिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं 8th-9th ग्रेड ही रखूँगा, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इनपुट में हमें अपने आर्टिकल को जो हमने पेस्ट किया कॉपी किया है बेसिकली पैराग्राफ वो पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद लैंग्वेज हम यहाँ पे इंग्लिश रहने देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से रिमूव AI वर्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंडेड लिस्ट सिलेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ह्यूमनाइज बटन है, ठीक है। तो ह्यूमनाइज पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये ह्यूमनाइज पे क्लिक करने के बाद अभी ये इस पैराग्राफ को यहाँ पे ह्यूमनाइज करके इसके AI वर्ड्स को रिमूव करके दे देगा, देखो इस तरह से। तो हमारे पास ये देख सकते हैं, हमारे पास AI रिमूव्ड है और ये ह्यूमनाइज करके मुझे यहाँ पे मिल चुका है। आप यहाँ से सिंपली कॉपी भी कर सकते हो और कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और इसको अपने वर्डप्रेस में शेयर कर सकते हो, अपने वर्डप्रेस पे पब्लिश कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, हमारा जो बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ जो हमारा आर्टिकल जनरेट हुआ है। और यहाँ से आप कॉपी करके डायरेक्टली आप अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो अपने वर्डप्रेस पर और उसे ह्यूमनाइज भी कर सकते हो एक एक करके, ठीक है। तो ह्यूमनाइज करना बहुत आसान है, इसके अंदर आप पूरा आर्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। और AI वर्ड्स तो आप रिमूव कर लोगे इजीली और आपका आर्टिकल गूगल में रैंक भी होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे यूसेज में चलते हैं और यूसेज में जाने के बाद मैं आपको इनका बिलिंग वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बिलिंग में चलते हैं तो बिलिंग में जाने के बाद देखो ये तो प्लान बेसिकली आपको 5000 वर्ड फ्री मिल जाते हैं। अपग्रेड नाउ बटन पे क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसका अच्छा मतलब यूज करना चाहते हो ना तो देखो इसके अंदर आप अप टू 5 आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। 5 यहाँ पे देखो 10,000 वर्ड अभी मिल रहा है, पहले 5,000 था तो इसके अंदर 10,000 वर्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अगर ईयरली बिल करते हो ना तो $14 पर मंथ आपको मिलने वाला है। अप टू 50 आर्टिकल आप जनरेट कर सकते हो। अगर ये $59 वाला आप प्लान लेते हो प्रोफेशनल प्लान तो इसके अंदर 250 आर्टिकल आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, जैसे अनलिमिटेड वर्ड्स, ह्यूमनाइजर टूल, रीराइट 100 आर्टिकल आप कर सकते हो, बल्क जनरेशन, GPT-4, क्लाउड 3 वापस मिल जाएगा, आउटलाइन एडिटर मिल जाएगा, वर्डप्रेस इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके साथ जाते हो तो इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सारी चीज़ें, ह्यूमनाइजर टूल, अनलिमिटेड रीराइट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने SEO राइटिंग टूल का लिंक दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो और यहाँ पे अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हो, अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो आर्टिकल लिखने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।